सकते हो भाई, आपने दूध जलेबी वाला व्लॉग तो देख लिया होगा। हाँ, अब उसका है पार्ट टू। पार्ट टू आया है और ये है कस्तूरी दूध और पिस्ता दूध, पिस्ते वाला दो दूध में है ये एक जगह। एड्रेस हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो और सीन ये है कि भाई सर जूस सेंटर पे, तो हसनैन भाई कस्तूरी दूध पी रहा है। ये भी अच्छी चीज़ है, जैसे बोलता दूध जलेबी वाले व्लॉग के बाद हमने कहा चलो एक नई चीज़ देखी मार्केट में, कस्तूरी दूध और पिस्ता दूध। पिस्ता दूध आजकल हमने दूध पे बड़ा कॉन्सेंट्रेट हुआ है, तो यार पिस्ता दूध भी अच्छा है, पिस्ता आइसक्रीम की तरह थोड़ा थोड़ा, और कस्तूरी दूध भी अच्छा। सर्दियों में वैसे यार ऐसी गर्म चीज़ें जैसे आप सूप वगैरह पीते हैं तो ये सब भी ट्राई करना चाहिए क्या? हाँ, क्योंकि यार सर्दियों में मौसम आया था आपको पता भी, आपको गर्मियों में इसका मौसम नहीं है अभी आपको, ये जो ये ना अपने शपाटा हुआ है तो ये तो करते हैं। सर्दियों में ये चीज़ें मिलती हैं आपको, गर्मियों में ये आइटम नहीं मिलेंगे आपको, वो गोला घंटा और ये सब मिलेगा तो भाई आप लाजमी। अच्छा, इसका एड्रेस भाई बहुत आसान है, इसका एड्रेस है सामने बुखारी मस्जिद है, एक थाना है उसके सामने बिल्कुल अपोजिट, और दुआ जूस ये बना हुआ है, इतना औसम है इनका बोर्ड ना, तो आपको मतलब पहुँच जाओ भाई सर्दियों के सवाल। तो भाई आओ इससे पहले कराची की सर्दियाँ, छोटी सी सर्दियाँ हैं बस 8-10 दिन की सर्दी है, और इंशाल्लाह भी ब्लॉग भी आ जाएगा इसी सर्दियों में आ जाएगा। तो भाई सर्दियों की सौगात को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी अगले ब्लॉग में मुलाकात, और इसी अपने मन के साथ इस ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं। आपने इस वीडियो में पूछा नहीं कि भाई कस्तूरी दूध का फ़ायदा क्या है।